हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट टाइम में हम लोगों ने जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, उसी प्रोसेस का एक पार्ट है। एज वी यू नो दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नंबर वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड अनदर वन इज ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल। हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में दो चीजें आप लोग को फोकस करनी है। कौन कौन सी फोकस करनी है? नंबर वन की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ का कहाँ हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है। ओके, देखिए डेफिनेशन के अंदर, द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप्स फ्रॉम जर्म सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। क्या देखा जी डेफिनेशन के अंदर? फॉर्मेशन हो रहा है हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। एज वी नो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स एंड इनका डेवलपमेंट हो रहा है टेस्टिस के अंदर। फर्स्ट लोकेशन इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन फॉर्म कर रहा है? जर्म सेल फॉर्म कर रही है। ओके, तो टेस्टिस लोकेशन है जहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और जर्म सेल फॉर्मेशन कर रही है। किसका? हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का। दिस इज डेफिनेशन। तो इस जो प्रोसेस के टू स्टेप्स है, कौन कौन से हैं? नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड अनदर वन इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। क्लियर है कि डायरेक्टली जो है स्पर्मेटोजोआ फॉर्म नहीं हो रहे हैं। कौन फॉर्म हो रहा है? सबसे पहले स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो रहे हैं। स्पर्मेटिड्स हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्री स्टेज है स्पर्मेटोजोआ की, जिसके अंदर फर्दर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू स्पर्मेटिड्स विल कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। व्हाट डज मेटामॉर्फोसिस? हम लोग अपनी प्री क्लासेस के अंदर देख चुके हैं, मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल चेंज इन अदर टाइप ऑफ स्टेज विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्री स्टेज। दैट इज डिफरेंट लाइक मैनर लाइक फिजियोलॉजिकली चेंजेस विल अकर और मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस विल अकर इन मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। देन हम लोगों को टीएस देखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जिससे कि ये क्लियर हो जाए हम लोग के सामने कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होती कैसे है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि आप लोग के सामने शो है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आप लोग को सबसे पहले एक आउटर लाइन शो हो रही है। इसके अंदर ये वाली जो लाइनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम वर्ड्स शो कर रहे हैं एपिथीलियम जो कि जर्मिनेट करने का वर्क कर रही है। किसे जर्मिनेट करेगी? प्राइमोडियल जर्म सेल्स को। ओके, तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स एक ऐसी सेल्स है जो कि इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करती है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करती है? एक प्रोसेस है माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस क्या होता है? हम लोग जानते हैं माइटोसिस के अंदर जो सेल्स है वो डिवाइडेशन करती है, अपनी ही जैसी सेम सेल्स बनाती है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिमेनिंग सेम। सोमेटिक सेल्स के अंदर इस टाइप का डिवीजन होता है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स जब डिवाइड होगी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, देन इट विल फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो रहा है? इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है by the process of mitotic division। इस process के बाद में division कौन सा start होगा? meiotic division। हम लोगों ने क्या देखा था अभी यहाँ पे? haploid spermatozoa। तो शुरू शुरू में जो number होता है वो remaining same होता है, उसके बाद में meiotic division के बाद में ये वाला जो part है यहाँ पे gametes form होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे spermatids form होंगे, then spermatozoa form। इसके मिड के अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर सेल्स शो हो रही है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। ये सेल्स वर्क क्या करती हैं? ये सेल्स नर्सिंग सेल्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म होते हैं ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके,
चलिए इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट देखते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्लियर हो जाए कि किस सेल से कौन सी सेल्स फॉर्म हो रही है। नंबर वन, मैंने आपको बताया था कि जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कर दी है, 2n नंबर है। हमको पता है ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, अब इस प्रोसेस के अंदर हम लोग पहले इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी फेजेस है? नंबर वन इज मल्टीप्लीकेशन फेज। वर्ड के थ्रू देखिए, मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर ओनली मल्टीप्लाई हो रही है सेल्स। ओके, नंबर टू इज ग्रोथ फेज। एक पर्टिकुलर सेल्स क्या सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, ग्रो करेगी और उसके बाद में आगे का डिविजन करेगी। एंड लास्ट वन इज मैच्यूरेशन फेज, जिसके अंदर स्पर्मेटिड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2n सेल है, इसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसके अंदर माइटोटिक डिविजन हो गया है। माइटोटिक डिविजन के थ्रू कौन सी सेल बन गई है? स्पर्मेटोगोनिया। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। अगेन माइटोटिक डिविजन विल अकर एंड दीज आर 4 सेल्स। ओके, अब इन सेल्स के अंदर आगे जाके क्या होता है कि पर्टिकुलर सेल जो है वो ग्रो करती है। सारी सेल्स ग्रो नहीं करती है, पर्टिकुलर सेल क्या करेगी? ग्रो करेगी। ग्रो मीन्स ये अपना साइज को इंक्रीज कर लेती है और साइज में एनलार्ज हो जाती है। तो जो सेल अब आगे प्रिपेयर है माइटोटिक मियोटिक डिवीजन के लिए, दिस सेल विल कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसने ग्रो कर लिया, उस फेज को हमने बोल दिया है ग्रोथ फेज। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये फॉर्म हो चुकी है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा? अब मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन क्यों होगा? क्योंकि अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गया। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल ऑलवेज रिडक्शनल डिवीजन। तो देखो रिडक्शनल डिवीजन है, तो 2n से क्या बन गया? n बन गया। 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे 23 और यहाँ पे क्या हो गए हैं? 23। ये 2 जो नंबरिंग है हम लोग को मिल गई है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड होती है मियोटिक डिवीजन के थ्रू, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करती है। तो हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड। ओके, डिवीजन होने के बाद में जब सेकेंडरी बनाएगी तो वो हैप्लॉयड होगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक सेकेंड। ओके, उसके बाद में दूसरी सेल्स बनेंगी, लेकिन ये याद रखना कि अब नंबरिंग हाफ नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन जो है मियोटिक फर्स्ट के अंदर होता है, मियोटिक सेकंड के अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। माइटोटिक डिवीजन के इक्वल होता है मियोसिस सेकंड। तो रिमेनिंग सेम, यानी कि 23, यहां पे भी 23 है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है किसको? स्पर्मेटिड्स को। स्पर्मेटिड्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। व्हाट आर स्पर्मेटिड्स? एक्चुअली में यहाँ पे ये मैच्यूरेशन फेज भी हमारा कंप्लीट है। स्पर्मेटिड्स हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, और साथ में ये हैवी होते हैं। स्पर्मेटिड्स के क्या कैरेक्टर है? नॉन मोटाइल होंगे और हैवी होंगे। ये कन्वर्ट होते हैं देन स्पर्मेटोजोआ में। जब ये कन्वर्जन होता है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके, तो आपको एक चीज मैं और क्लियर करती हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो कन्वर्जन होगा स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ के अंदर, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। कैसे? मैंने बोला मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं ये कैसे हैं? ये हैवी हैं और नॉन मोटाइल है। स्पर्मेटोजोआ कैसे हैं? ये लाइट हैं और मोटाइल है। स्पर्मेटिड्स एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो है इसके अंदर थोड़ा सा कन्वर्जन होता है, अपर पार्ट के अंदर एक्रोसोम होता है, मिडिल पीस होता है एंड नीचे की तरफ टेल प्रेजेंट होता है।
द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। एक और चीज है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? जब ये जो स्पर्मेटोजोआज हैं, ये जब डेवलप होते हैं तो डेवलप होने के बाद में इनका हेड पार्ट किसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है? सर्टोली सेल्स के पार्ट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। दिस ऑल थिंग अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्लियर एज आई थिंक। हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने इसके टू स्टेप देखे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स जो कि कंप्लीट था स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन तक, मेटामॉर्फोसिस जो कन्वर्जन था इसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस भी बोला, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ के अंदर। हमने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर देखा और हमने स्पर्मिएशन देखा। दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।